हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का तरफा सीजन यानी कि आईपीएल 2020 काफी ज्यादा खास और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि इस बार यानी कि आईपीएल 2020 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 24 मई 2020 को खत्म होगा। यानी कि 29 मार्च 2020 को आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा और 24 मई 2020 को आईपीएल का आखिरी यानी कि आईपीएल 2020 का फाइनल मैच खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के लिए सभी 8 टीमों के, उनके कप्तानों की सैलरी के बारे में, कि आईपीएल 2020 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तानों की सैलरी क्या है, उनकी फ्रेंचाइजी अपने कप्तान को कितने कितने करोड़ रुपए दे रही है, वीवो आईपीएल 2020 के लिए किस कप्तान को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है और किस कप्तान को सबसे कम सैलरी मिल रही है। तो गाइस, पूरी विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, आईपीएल की हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईपीएल 2020 के लिए सभी 8 टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमों ने अपना टीम स्क्वाड सब कुछ अनाउंस कर दिया है और अभी हाल ही में बीसीसीआई ने इसका पूरा कंफर्म शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था, घोषित कर दिया था। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईपीएल सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में आईपीएल को देखा जाता है और अगर किसी भी खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा दबाव होता है आईपीएल में तो वो होता है उनके कप्तान पर सबसे ज्यादा दबाव, क्योंकि कप्तान को सिर्फ अपनी ही परफॉर्मेंस नहीं बल्कि टीम की भी परफॉर्मेंस देखनी होती है। इसके अलावा मैच के दौरान छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटा फैसला मैच को जिता देता है और कई बार ऐसा भी होता है कि एक गलती यानी कि एक गलत फैसला मैच को हरा भी देता है। तो कप्तान के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर टीम मैच जीत जाती है तो कप्तान की काफी ज्यादा प्रशंसा होती है, काफी तारीफ होती है, लेकिन अगर टीम मैच हार जाती है तो कप्तान को कई सारे आलोचना का शिकार बनना पड़ता है। तो गाइस, बिना देरी के चलिए बात करते हैं आईपीएल 2020 के लिए सभी 8 टीमों के, उनके कप्तानों की सैलरी के बारे में, कि किस किस कप्तान को कितने कितने करोड़ रुपए सैलरी मिल रही है वीवो आईपीएल 2020 के लिए। नंबर 1, मुंबई इंडियंस। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जो कि 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। अगर हम बात करें तो इस टाइम पर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है, लेकिन रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कप्तान आईपीएल के 6 सीजन यानी कि साल 2013 में बनाया गया था और इसी सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल के 6 सीजन से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम ने टोटल 111 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से उनको 65 मैचों में जीत मिली है। अगर हम बात करें साल 2020 यानी कि वीवो आईपीएल 2020 के बारे में, तो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए सैलरी दे रही है, यानी कि वीवो आईपीएल 2020 के लिए रोहित शर्मा को 15 करोड़ रुपए दे रही है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी। अब अगर हम बात करें यहां पर दूसरी टीम के बारे में, तो इस लिस्ट की दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान इस टाइम पर हैं स्टीवन स्मिथ, जो कि काफी शानदार प्लेयर हैं। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज बल्लेबाज यानी कि स्टीवन स्मिथ को आईपीएल में पहली बार साल 2010 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। अब तक स्मिथ आईपीएल में 4 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन आईपीएल 2020 में स्टीवन स्मिथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स की यह फ्रेंचाइजी स्टीवन स्मिथ को इस साल यानी कि आईपीएल 2020 के लिए 12 करोड़ रुपए दे रही है। अब अगर हम बात करें यहां पर तीसरी टीम, तो तीसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम है, जो कि पहली टीम मुंबई इंडियंस है, जहां पर 4 बार खिताब जीता है मुंबई इंडियंस की टीम ने, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 बार जीत चुकी है आईपीएल का खिताब और दूसरी सबसे सफल टीम है, जो कि इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। चेन्नई ने धोनी की कप्तानी में 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल के 10 संस्करणों में चेन्नई ने धोनी की कप्तानी में 165 मुकाबले में से 100 मैचों में जीत दर्ज की है। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए धोनी को 15 करोड़ रुपए की राशि दे रही है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की यह फ्रेंचाइजी महेंद्र सिंह धोनी को वीवो आईपीएल 2020 के लिए 15 करोड़ रुपए सैलरी दे रही है। अब अगर हम बात करें यहां पर चौथी टीम के बारे में, तो गाइस, चौथी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम उन टीमों में से एक टीम है जो आईपीएल के पहले सीजन से खेल रही है, लेकिन अभी तक आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक बार भी जीत नहीं पाई है। अगर हम बात करें तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो आईपीएल के पहले सीजन से लेकर अब तक एक ही टीम की तरफ से खेल रहे हैं और वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि आईपीएल के चौथे सीजन में कोहली को पहली बार टीम का उपकप्तान बनाया गया था। इस सीजन में विराट कोहली ने कुछ मैचों में टीम की कप्तानी भी की थी, जो कि डेनियल विटोरी के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद साल 2013 में विराट कोहली को बेंगलोर की कप्तानी मिली थी।
अगर हम बात करें तो वीवो आईपीएल 2020 के लिए विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यह फ्रेंचाइजी 17 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि विराट कोहली को उनकी फ्रेंचाइजी साल 2020 यानी कि वीवो आईपीएल 2020 के लिए 17 करोड़ रुपए दे रही है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पाँचवीं टीम के बारे में, तो पाँचवीं टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करने वाले केन विलियमसन को साल 2015 में हैदराबाद ने खरीदा था, लेकिन उनको टीम में खेलने का मौका साल 2016 में मिला, जो कि साल 2018 में डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में केन विलियमसन को हैदराबाद के कप्तान घोषित किया गया था। आईपीएल में पहली बार कप्तानी करते हुए विलियमसन ने टीम को फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करें आईपीएल 2020 के बारे में, तो गाइस आईपीएल 2020 के लिए हैदराबाद की यह फ्रेंचाइजी अपने कप्तान यानी कि केन विलियमसन को साल 2020 के लिए टोटल 3 करोड़ रुपए की राशि दे रही है, यानी कि 3 करोड़ सैलरी दे रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर छठी टीम के बारे में, तो छठी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आईपीएल में अब तक 6 टीमों की ओर से खेल चुके हैं। कार्तिक ने अपना आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलते हुए की थी, जो कि साल 2018 में कार्तिक को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीद लिया था और टीम के कप्तान ने भी इनको ही सौंपी थी और टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी, जो कि 29 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2020 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी दिनेश कार्तिक ही करने वाले हैं, जिसके लिए केकेआर की यह फ्रेंचाइजी दिनेश कार्तिक को इस साल यानी कि आईपीएल 2020 के लिए टोटल 7.5 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि 7 करोड़ 40 लाख रुपए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सातवीं टीम के बारे में, तो गाइस सातवीं टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस पिछले साल काफ़ी शानदार काफ़ी ज़बरदस्त रहा था, जब दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने अपना नाम चेंज करके दिल्ली कैपिटल्स रख लिया था, अपना जर्सी लोगो सब कुछ चेंज करके उतरी थी साल 2019 में, तो उस टाइम पर उनके कप्तान थे श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था दिल्ली कैपिटल्स का। अगर हम बात करें तो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा कप्तान श्रेयस अय्यर को साल 2018 में गौतम गंभीर को हटाकर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था और आईपीएल के बढ़ावे सीजन यानी कि साल 2019 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 सालों बाद अय्यर की कप्तानी में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रही थी। आने वाले सीजन के लिए अय्यर को 7 करोड़ की सैलरी दे रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की यह फ्रेंचाइजी अपने यंग कप्तान श्रेयस अय्यर को 7 करोड़ रुपए दे रही है वीवो आईपीएल 2020 के लिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर आठवीं टीम के बारे में, तो आठवीं टीम है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के पिछले साल के कप्तान थे रवि चंद्र अश्विन, लेकिन वो अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में वीवो आईपीएल 2020 के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के ऑफिशियल ने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि उनके नए कप्तान है केएल राहुल, जो कि केएल राहुल करने वाले हैं आईपीएल 2020 में पंजाब की कप्तानी। अगर हम बात करें तो केएल राहुल का प्रदर्शन अभी तक आईपीएल में काफी शानदार रहा है। आईपीएल के पिछले सीजन में केएल राहुल ने 14 मुकाबलों में 53.90 की बेहतरीन औसत से 593 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक भी शामिल था, और इनके जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर अब यहां पर पंजाब की टीम ने इन्हें अपना नया कप्तान बना दिया है। आपको बता दें कि केएल राहुल को इस सीजन के लिए किंग्स इलेवन पंजाब की यह फ्रेंचाइजी 11 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि केएल राहुल को आईपीएल 2020 में पंजाब की तरफ से 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो गाइस जैसे आईपीएल 2020 के सभी 8 टीमों के कप्तानों की सैलरी लिस्ट है, जैसे कि आपने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी अपने कप्तान विराट कोहली को सबसे ज्यादा दे रही है आईपीएल के सभी कप्तानों के मुकाबले में, जो कि आरसीबी की टीम अपने कप्तान को 17 करोड़ रुपए दे रही है, जो कि यह सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें सबसे कम की, तो गाइस आपको बता दें कि हैदराबाद के कप्तान है केन विलियमसन और हैदराबाद की यह फ्रेंचाइजी अपने कप्तान को 3 करोड़ रुपए दे रही है वीवो आईपीएल 2020 के लिए, जो कि आईपीएल 2020 के सभी कप्तानों के सैलरी के मुकाबले ये सबसे कम है।